हाँ जी बाबा, पूर्णा यानी क्या? पूर्णा माने लगन, लगन लगी रहती है ना कि हम ये काम करें। तो दुनियावी बातों का फुरना यहाँ बैठने वालों को ज्यादा लगता है या बाहर की दुनिया में ज्यादा लगता है? बाहर की दुनिया में रहते हैं तो बाहर वालों का संग के वाइब्रेशन में रहते हैं, तो बाहर वालों का जो वाइब्रेशन है वो हमको प्रभावित कर देता है। बाहर है रावण संप्रदाय। क्या रावण संप्रदाय ज्यादा है या पांडव संप्रदाय ज्यादा है? बाहर की दुनिया में हजारों लाखों के बीच में कहीं एक पांडव बैठता है, रहता है। तो हजारों लाखों के वायुमंडल का फोर्स या संग का रंग लगता है, और यहाँ यहाँ तो उतना नहीं, यहाँ तो सारे ही पांडव संप्रदाय बैठे। और बाबा, ये भूत-प्रेत और ये जो चीज है जो मायावी, उसमें वाइब्रेशन से होता है उसका? वाइब्रेशन से वो ठीक हो जाता? पावरफुल वाइब्रेशन होगा तो ठीक हो जाएंगे, अगर कमजोर वाइब्रेशन होगा तो वो पावरफुल हो जाएंगे। और बाबा, आपकी मुरली में आया कि किले की एक विट खिसक जाती है तो माया को चांस मिल जाता है कि दूसरे एक को हिलाने के लिए, माया को चांस मिल जाता है दूसरे ईंटों को आसानी से तोड़ने के लिए। हाँ, एक ईंट खिसकी तो दूसरे ईंट या पत्थर को जल्दी हिला करके उसको भी तोड़ा, दो टूटी तो तीसरे चौथे को और जल्दी निकाला जा सकता है। किले को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वहाँ ईंट पत्थर का किला बनाते हैं तो मजबूत किला बनाने के लिए क्या करते हैं? स्नेह का जो गारा है ना, स्नेह का जो सीमेंट है ना, वो मजबूत लगाते हैं। पहले किला बनाते थे तो सीमेंट नहीं होता था, चूना होता था, उड़द की दाल होती थी, उड़द की दाल को अच्छी तरह पीस के उसमें गुड़ मिलाते थे। इस सीमेंट में भी कभी देखना, गुड़ मिलाएंगे तो दुगुना तिगुना चौगुना मजबूत हो जाएगा। ये मिठास की बात है। ब्राह्मण परिवार में जितना मिठास रखेंगे, कड़वाहट पैदा नहीं होने देंगे, तो स्नेह का गारा बहुत मजबूत होता रहेगा। ब्राह्मण परिवार में स्नेह देना है और बाहर की दुनिया वालों से मुकाबला करना है वाइब्रेशन से। कहां सामना करना है, कहां सहन करना है, इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए। कहां सहन करना है, माँ कहाँ सहन करती है? परिवार के भातियों के प्रति माँ सहन करती है तो परिवार का किला मजबूत होता है। इसलिए कहावत है कि घर की धरित्री अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। घर की धरित्री अगर एक पति से प्रेम करने वाली, स्नेह करने वाली नहीं है, औरों से स्नेह करने लग पड़ती है, झूठा झूठा स्नेह दिखाती है, तो घर नरक बन जाता है। तो ये ब्राह्मणों का किला न टूटे, भले माया का फाइनल पेपर होता रहे, तो इसके लिए क्या करना है? अरे जिसने पूछा उसे बताने दो।
क्या करना है? हैं? किसको देना है? रावण को? हैं? ब्राह्मण परिवार। हाँ। और आज की मुरली में बोला है कि आज की मुरली को खूब पकड़ो। हाँ, मुरली से प्यार माने मुरलीधर से प्यार। हाँ, बोलो बोलो बोलो। माया सर्वशक्तिमान है, बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो माया बाप की जो बेटी माया है तो उसको अंडर करने के लिए याद का पुरुषार्थ करना है, बाप के सम्मुख रहना है। तो ब्राह्मणों में हम अंडर नहीं करना है बाप की बेटी को? बाप की बेटी को कहीं अंडर किया जाता है? ये तो बंदर भूल बातें करता है। उसके कंट्रोल में नहीं आना है। एक बाप दूसरा न कोई, चाहे वो बेटी हो चाहे वो अम्मा हो। क्या जगत अम्मा ही क्यों न हो, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं आना है, सिवाय एक जगदप्पा बाप के। हाँ तो बोलो। तो पूछना तो कैसे करना है, ब्रह्मा माँ जैसे क्या शंकर जैसे श्री आत्मा जैसे? शंकर जैसा पुरुषार्थ करेंगे, शंकर को फॉलो करना है, ये बड़ा अच्छा पुरुषार्थ है, बड़ा मजा आवेगा। कुमारों को तो लगन लगी रहती है, क्या कि हमको भी शंकर जैसा पुरुषार्थ करने की छूट मिल जाए। वाह भाई, ये तो वंडरफुल आदमी है। हाँ हाँ बोलो। हैं? ब्रह्मा ने माँ का जो रोल किया, हाँ, उसके ऊपर ब्रह्मा को भी कितनी कठिनाई और बिच्छू टिंडर जैसे बच्चे पैदा हुए। हाँ, तो शंकर जैसा व्यवहार करेंगे या शंकर जैसा पार्ट प्ले करेंगे? किसने बताया, किस मुरली में कहा कि शंकर को कर्मों में फॉलो करना है, शंकर जैसा पार्ट बजाना है, स्ट्रिक्ट रहना है, स्ट्रिक्ट पिता जैसा? हाँ, फॉलो फादर मीन्स यहाँ पे फॉलो फादर का मतलब है तुम्हारे सामने फादर कौन सी आत्मा है। अरे उसका भी कोई बाप है या नहीं है? बापों का बाप कौन है? तो किसको फॉलो करना है? शिव बाबा के महावाक्य अगर फॉलो नहीं किए, शिव बाबा ने जो बोला उसको फॉलो नहीं किया और दूसरों का बोला हुआ फॉलो किया, तो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? तो किसको फॉलो करना है? नहीं, शंकर को फॉलो करना। अरे शंकर वाली आत्मा तो खुद ही याद करती है, याद पतित करते हैं या पावन करते हैं? पतित को ही याद करने की दरकार है। शंकर वाली आत्मा भी कोई जन्म में नीचे गिरती है और सबसे बड़ा कांटा बनती है, तो उसको याद करेंगे या उसको फॉलो करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? है, हमारा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या कह रहे? हाँ, वेद के महर्षि दयानंद को बाबा ने बहुत याद किया, क्यों है? वेद के महर्षि दयानंद है ना, मर्चे महर्षि दयानंद। हाँ, बहुत याद किया, क्यों? बाप तो बच्चों को याद करते ही। हाँ, अगर बाप बच्चों का मिसाल न देवे तो बच्चों की समझ में कैसे आवेगा कि कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए कौन सा पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। इसलिए मुरली में भी बोल दिया, कोई को समझाए बगैर अगर लिटरेचर सिर्फ दे देंगे तो वो फाड़ के फेंक देगा, उसकी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। पहले खुद समझो कि बाप कौन है,
जब खुद समझ में आ जावे तब दूसरों को समझाओ और लिटरेचर दो। बिना समझाए कोई को लिटरेचर देने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और बाबा मूल्य बोला कि एक व्यक्ति के प्रति भी दुख रही संकल्प न हो विश्व कल्याण करी, तो ये आखिरी पेपर हो सकता है। ये अभी नहीं अब पेपर आ रहा है क्या? ये पेपर अभी नहीं आता क्या? अभी भी तो आता है। हिसाब किताब हम चुप चुप कर रहे हैं, बेसिक में हो या एडवांस में हो, एक दूसरे से टकराव होता है, तो ये पेपर कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जब तक संपूर्ण नहीं बनेंगे। ऐसे नहीं 18 तक चलेगा, 18 के बाद भी तो बोला है तमो प्रधान से सतो प्रधान होने में कितना टाइम लगता है, तो 18 के बाद भी तो 10 वर्ष का मार्जिन है ना, कि नहीं है? है। लेकिन राजाई का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों के लिए मार्जिन है, जो प्रजापद में वर्ग में जाने वाले हैं उनके लिए 10 वर्ष नहीं 20 वर्ष का टाइम पड़ा हुआ है। कोई तो फर्स्ट क्लास प्रजा में आवेंगे, कोई सेकंड क्लास प्रजा में आवेंगे, तो थर्ड क्लास प्रजा में आवेंगे, कोई तो एकदम फोर्थ क्लास प्रजा में चले जावेंगे। और बाबा आतापर्यंत अभी तक आप मराठी में बोलिए, कोई न कोई हिंदी में बोल देगा। पांडुरंगाचं वर्णन कुठल्याही मुरलीदास परी आलेलं नाही। विठोबा विठोबा पंडरपुर विठोबा का वर्णन किसी भी मुरली में नहीं आया है। पंडरपुर के विठोबा माने भक्ति मार्ग के जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों का वर्णन मुरली में आना चाहिए, लेकिन आज ही आना चाहिए या जब तक जीना है तब तक पीना है? जब तक जीना है तब तक पीते रहेंगे, धीरज धर मनुआ धीरज धर। वो चाहे पंडरपुर हो या कोई भी तीर्थ हो, है जो पार लगाने वालों का स्थान है उसकी यादगार ज्ञान के आधार पर क्लियर जरूर होगी। और बाबा इस किले का किलेदार शिव बाबा है ना, फिर भी कहीं कहीं ऐसा क्यों देखा जाता है जहाँ भाईचारा नहीं इंसानियत नहीं, अंदर कहीं कहीं ऐसा व्यवहार दिखाई देता है? हाँ क्यों ऐसा? फिर मैंने माया को भूल गए। वहाँ तो माया आती नहीं बोला ना? वहाँ आती नहीं, माने मधुबन में माया आती है कि नहीं आती है? लो ये माता क्या कहती है, अरे माता ने अपने घर में बिनी मधुबन इसीलिए बनाया है, यही सोच के बनाया है कि मैं अपने घर में मनी मधुबन बनाऊंगी तो माया माया नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कैसा? जितना दिन पर दिन ज्ञान दिया जा रहा है इतना मना बहुत ही, जैसे वो शिक्षण सीखते हैं तो बड़े बड़े बनते जाते हैं ऑफिसर, तो थोड़े सुधरते जाते हैं। सुधरते हैं तमो प्रधान, बड़े बड़े ऑफिसर सुधरे हुए होते हैं या बहुत बिगड़े हुए होते हैं? माता को दुनिया का भी ज्ञान नहीं है। आज की दुनिया के जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जितने बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, अच्छा ये बात छोड़ दो दुनिया के हिसाब से, मुरली की ही बात उठाओ। मुरली में बोला है जिनका बहुत मान है बहुत मर्तबा है उनको बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग की बात बताई, उसमें भी स्वर्णिम संगम युग की बात बताई या कलयुगी दुनिया की बात बताई? कलयुगी दुनिया की बात है। और मैं ऐसी सेवा
सेवा है तो अच्छी बात करेंगे, नहीं तो अच्छी बात नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? माया त्रेसठ जन्मों में जैसे जैसे अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, संगम युग में शूटिंग पीरियड में वो 63 जन्मों की रील घूमती है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे विचार आवेंगे, और बुरे कर्म किए हैं तो मायावी विचार आवेंगे। क्यों का सवाल ही नहीं। और बाबा जब भी पेपर आता है तो थोड़ी देर के लिए हिल जाते हैं, फिर वो कंट्रोल ज्ञान से कंट्रोल में आ जाता है, उसको कैसे बोल सकते हैं? तो ऐसे समझना चाहिए कि जो अष्टदेव हैं उनको भी माया हिलाएगी या नहीं हिलाएगी? अरे अष्टदेव की तो बात ही छोड़ो, त्रिदेव को भी माया नहीं छोड़ती है। हाँ, भक्ति मार्ग में माताएं गीत गाती हैं, क्या है? माया नजरिया मार गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई, मार नहीं पाई फिर भी दाढ़ी तो हिलाई गई। तो माया किसी को छोड़ती नहीं है। पर उसमें तुरंत थोड़ी देर के लिए तो अष्टदेव जो है, जो शिव की अष्टमूर्तियां गाई जाती हैं, उनको भी माया नहीं छोड़ती, लेकिन उनको थोड़ी देर असर होगा या लंबे काल के लिए असर हो जाएगा, ये फिर आपकी बात है। क्या माया बिल्कुल असर न करे ये तो हो ही नहीं सकता। माया तो सबके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है, लेकिन ये बात दूसरी है। कोई लंबे समय तक माया की चंबे में आ जाते हैं और कोई तुरंत, ज्ञानी की दृष्टि तीखी है तो झट से अपनी सीट पर सेट हो जाते हैं। और बाबा माया ने 100 साल संगम युग में कितने साल उसने ही दाव मार दिए? अब 18 साल तो गाये हुए है ना, है 18 साल, 18 साल गाये हुए है ना युद्ध के, है पूरी विजय कब होती है? 18 के बाद या 18 के अंदर या 18 से पहले है पूरी विजय? तो 18 पूरा होगा तब जो बाप की राजधानी है, ईश्वर जो पूरी राजधानी स्थापन करने आया है, वो 4.5 लाख पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। तब कहेंगे कि माया के ऊपर पूरी जीत हो गई। अच्छा, फिर जीत पाना कब से शुरू होता है? युद्ध शुरू हुआ और माया के महारथी मरना शुरू हो जाते हैं कि पांडव मरते हैं? जो माया के बड़े बड़े महारथी हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। और ये शंकर की दाढ़ी हिलाई गई माया ने बताया उसका, माने उसको भी चकराई देती है। और बाबा एक कर्मबंधन की बात बता रहे हैं कि कर्मबंधन में बाप की याद से कर्मबंधन चुप्त होते हैं, तो ये कब तक चुप्त होंगे? जितने कर्मबंधन अटैक करेंगे, अभी बीमारी ऐसा कहा नहीं जा सकता कि बीमारी कहीं भी अटैक करती है, अंदर तक वो सामना करती, पर बाबा का कब तक याद करे तो वो बीमारी जाए? जब तक आत्मा संपूर्ण स्टेज को न पावे, संपूर्ण स्टेज को पाना माना लगातार स्मृति में रहना, निरंतर अंतर नहीं एक सेकंड का भी, तो माया से छुटकारा। अब वो तो अभी किसी का नहीं हो सकता।
माया तो सबका। अच्छा अभी किसी का नहीं हुआ, फिर भी स्मृति में नंबर वार हैं या एक जैसे हैं? तो नंबर वार में से अव्वल नंबर को तो पकड़ सकते हैं कि वो भी नहीं पकड़ना है, पकड़ लो। अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है, वो सदैव पुरुषार्थ में अव्वल रहने वाला है, आदि से लेकर अंत तक। तो संपूर्ण भल कोई नहीं बना है, लेकिन पुरुषार्थियों के बीच में कोई अव्वल नंबर मॉनिटर तो होता है क्लास में कि नहीं होता है? तो अच्छों अच्छों को फॉलो करना चाहिए। है कृष्ण परमहंस नाम किस आधार पर? भक्ति मार्ग के आधार पर। वो भक्ति मार्ग के रामकृष्ण परमहंस हैं या ज्ञान मार्ग के रामकृष्ण परमहंस हैं? जो भक्ति मार्ग के रामकृष्ण परमहंस हैं, उनका भक्ति मार्ग में नाम तो बहुत बाला है, परंतु क्या स्वर्ग स्थापन करते हैं? स्वर्ग स्थापन करने में ईश्वर के मददगार बनते हैं क्या? नहीं बनते। और ज्ञान मार्ग के रामकृष्ण परमहंस भगवान के सहयोगी बनते हैं और स्वर्ग की स्थापना में पूरा सहयोग देते हैं। और बाबा, दुनिया में दो लोग ऐसे हैं जिनके लिए वक्त की रोटी उनके लिए भगवान है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं दो वक्त की रोटी उनके लिए भगवान है। दो रोटी, दो वक्त की रोटी, दो टाइम की रोटी उनके लिए भगवान है। उनको भगवान कब मिलेंगे? हैं? उनको भगवान कब मिलेंगे? अरे उनको दो रोटी भगवान हो गई, फिर भगवान की क्या दरकार? अभी तो कहा आपने कि दो रोटी ही उनके लिए भगवान है, तो उन्हें भगवान की क्या दरकार? मिलता है। उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? खाना पीना मौज उड़ाना। और तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? खिचड़ी खाना और ऊंच पद पाना। सादा जीवन, उच्च विचार, खाने के लिए जीना है क्या? जिंदगी खाने पीने मौज उड़ाने के लिए है क्या? एक कहावत भी बनाई हुई है, क्या बतावे यार क्या कारे नुमानिया कर गए, दिए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए। ये जिंदगी काहे के लिए उन्होंने जी? खाने पीने मौज उड़ाने के लिए की। और देसी का एडवांस में ऐसी भी कोई कई आत्मा है जो बाबा की धारणा नहीं कर सकती है, फिर भी बाबा को याद करती है, ऐसे आत्मा को क्या क्या कहा? कुछ नहीं, धारणा वगैरह कुछ नहीं, पर आपको याद करती है। पहचान के याद करती है, समझ के याद करती है कि बिना पहचाने बेसमझी से याद करती है? है सन्मुख याद करती है? सन्मुख होते ही नहीं है, विमुखों के साथ हैं, या जो सन्मुख रहने वाले हैं उनके साथ हैं? फिर विमुख हुए या सन्मुख हुए? मंदोदरी किसका साथ देती थी? रावण का साथ देती थी, लेकिन रावण को समझाती क्या थी? हैं? तो दूसरों को कोई समझाए और खुद उल्टे रास्ते पर चलता रहे, तो उसे भगवान के सन्मुख कहेंगे या विमुख कहेंगे? विमुख ही कहा जाएगा। और बाबा कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें त्रिमूर्ति शिव में पहली जो मूर्ति है
वो ब्रह्मा की मूर्ति है ने, उसके मंदिर भी नहीं बनते, उसकी पूजा भी नहीं होती। और उसके साथ में बाबा ने ऐसा भी बोला है कि जो ब्रह्मा कुमारिया जो है उन्होंने भी ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी। वो लोग तो दाढ़ी की लाज का उनके लिए तो सवाल ही नहीं ना, क्योंकि वो तो ब्रह्मा को ही सर्वस्व मानते हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्रॉस क्वेश्चन क्यों आया? तो ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, तो असली ब्रह्मा कौन है उन्होंने पहचाना क्या है? तो यही रहस्य है। और बाबा हाँ, बाबा के शिव बाबा के याद में और गोद में सोते समय सोने के बावजूद भी उलट सुलट ख्वाब क्यों मिलते हैं ना चाहते भी? इस दुनिया में भी कोई अच्छा कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अच्छा काम करते भी हैं, फिर माया से तंग आकर बीच में काम छोड़ देते हैं या नहीं छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं या नहीं घबरा जाते हैं? तो यही स्थिति है। निश्चय बुद्धि विजयते और अनिश्चय बुद्धि हार जाते हैं। और बाबा ऐसे रात जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो हार जाएंगे या युद्ध भूमि से भाग जाएंगे? हैं? निश्चय बुद्धि भाग जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि होंगे वो डटे रहेंगे, मृत्यु पर्यंत तक डटे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस युद्ध में अगर हम मारे भी गए तो भी स्वर्ग में जाएंगे, अगर विजयी हुए तो विश्व की बादशाही यहाँ भोगेंगे और स्वर्ग में तो जाएंगे ही जाएंगे, दोनों हाथों में लड्डू। मरेंगे तो भी। बाबा ये रात को जो नींद सोते समय जो ये आते हैं स्वप्न, उसके लिए अगर हम मुरली रात भर चलाए कि आंखें खुले तो तुरंत बाबा की या मुरली चले तो चले, ऐसे करने से उसका आधा पुरुषार्थ का हिस्सा तो जो टेप रिकॉर्डर बनाने वाले हैं उनको जाएगा। और चौथाई उनको चला जाएगा जिन्होंने आपको वो साधन दिया, बाकी जो बचा खुचा है नहीं, पर ना, ना, वो ना होने से तो थोड़ा तो मिलेगा बाबा है, ना होने से थोड़ा। लेकिन तो बाबा ने मुरली में साधनों के लिए बोला है या साधना का आधार लेने के लिए बोला है? साधनों के आधार पर जो पुरुषार्थ होता है वो बालू पर बने हुए किले के समान है, जैसे गंगा जी के कछार में बालू का बड़ा भारी पहाड़ इकट्ठा हो जाता है बाढ़ के दिनों में, और ऊंचाई को देख करके कोई समझे कि बहुत ऊंचा पहाड़ है, इस पहाड़ में पानी कभी नहीं आएगा, और वो उस पर महल बना के खड़ा हो जाए, महल में बैठ जाए, तो गंगा की बाढ़ आएगी तो महल गिरेगा या रह जाएगा? गिर जाएगा। तो साधनों के आधार पर साधना नहीं करनी है क्या? साधना का आधार क्या होना चाहिए हैं? निराधार, कोई का आधार नहीं, कोई गुरु का आधार नहीं लेना है। देहधारी गुरु साहब झूठे हो गए, बड़े से बड़ा देहधारी गुरु कौन? वो ही झूठा हो गया, तो और कौन बचेगा? इसलिए कैसा पुरुषार्थ करना है? आत्मिक स्थिति में स्थित रह के एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी आधार नहीं। हाँ।
ब्रह्मा जी। बाबा मुरली में आता है ब्रह्मा बाबा के लिए मावा की ब्रह्मा बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि सब जो भी बच्चे थे बच्चे थे वो बिच्छू टंडन बन गए। और मुरली में ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया कि उनके बच्चे उन्होंने माँ का पाठ किया और जो बच्चे यज्ञ के आदि में हो उन्होंने जो पुरुषार्थ किया तो मुरली में एक माता की आता है कि इतना भी मीठा पर दोनों की चीटियां लग जाए। ये तो दुनिया भी कहावत है। मुरली में बाबा ने ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि मीठा मत बनो। कोई मुरली आई है जिसमें बाबा ने कहा मीठा इतना मत बनो है? बाबा ने तो यही कहा है कि लक्ष्मी नारायण जितने मीठे हैं उतने मीठे बनो। कोई भी सामने आ जाए वो मिठास का वातावरण में डूब जाए। जैसे नेहरू का मिसाल देते हैं, नेहरू जी के पीछे पीछे बहुत विरोध करने वाले विरोध करते थे, लेकिन नेहरू जी जब सामने आ जाते थे तो उनके वाइब्रेशन में नेह की रूह में सराबोर हो जाते थे। ये भक्ति मार्ग के नेहरू की ही विशेषता बता दी। तो जो ज्ञान मार्ग का नेहरू होगा लंबे समय तक राजाई की गद्दी पर बैठने वाला नेहरू होगा बेहद का, उसके वाइब्रेशन कितने मीठे होंगे? बहुत मीठे। विश्व में एक भी आत्मा नहीं होगी जो उनके प्यार में डूब न जाए। साफ समझेंगे कि सबकी बुद्धि में कौन व्यापी है, है? अरे दुनिया में तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है, परंतु भगवान सर्वव्यापी है या भगवान जिसमें प्रवेश करता है उसकी याद सारे विश्व की 500-700 करोड़ आत्माओं में समा जाती है? बल देखा भी नहीं है, अखबारों में पढ़ते हैं, फोटो देखते हैं, वीसीडी देखते हैं, डीवीडी देखते हैं, सिनेमा हॉल में उनके चरित्र देखते हैं। मुरली क्या बोला? ये सिनेमा जो पतन का निमित्त बना है वो ही आगे चल के उत्थान का भी निमित्त बन जाएगा। तो बल सन्मुख देखा भी नहीं है तो भी उनकी बुद्धि में कौन सा स्थान समाया हुआ होगा और कौन व्यक्ति समाया हुआ होगा, है? अरे कोई व्यक्ति की याद आती है तो वो स्थान भी तो याद आता है या नहीं आता है? तो कौन सा स्थान सारी दुनिया की बुद्धि में समाया हुआ होगा? माउंट आबू। और वो माउंट आबू किस लिए समाया हुआ होगा? क्योंकि वो साकार बाप उसी स्थान पर स्थित होकर के रहेगा, परमधाम वासी होकर के रहेगा, इसलिए सबकी बुद्धि में समाया हुआ होगा। और जो सिनेमा पतन के निमित्त बना है वो स्थान के निमित्त बना है? जो सिनेमा पतन के निमित्त बना है वो आगे चलकर स्थान के निमित्त जब लोगों की बुद्धि में बैठ जाएगा कि भगवान आया हुआ है तो भगवान के चरित्र जानने की इच्छा होगी या नहीं होगी? जब चरित्र जानने की इच्छा होगी तो उनके चरित्र के ऊपर फिल्में बनेंगी या नहीं बनेंगी? आज की दुनिया के जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, हिस्ट्री में जिनका नाम बाला होता है, उनकी फिल्में बनाई गई या नहीं बनाई गई? ऐसे बाप के भी चरित्र पर फिल्माएं आ जाएगा तो सारी दुनिया के लिए याद करना सहज हो जाएगा या कठिन हो जाएगा? है? सहज हो जाएगा। अच्छा है? जब भी प्रत्यक्षता होगी
ये तो 18 तो एक एग्रीगेट थोड़ा ही बता दिया। हाँ, 18 ही साल मौजों की साल है, तब तक रोते रहे तो ज्ञान क्या उठाया प्रकृति सताती। अरे ज्ञान से तुम जीवन की सर्व समस्याओं का हल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते बाबा, पर बीमारी नहीं हटा सकते ना। बीमार आदमी खुश रह सकता है या नहीं रह सकता है? खुश रहता है, ज्ञान सुनता है तब। तो क्यों नहीं ज्ञान सुन? ज्ञान सुनने के लिए मना किसने कर दिया? 24 घंटे कैसे खुश रहे? 24 घंटे वो मनन चिंतन मंथन में रहे। बाबा ने मिसाल दिया है कपड़ा बेचने वाली बजाज का। सुबह 5 बजे से दुकान खोलता है, रात के 10-11 बजे तक बिक्री करता रहता है। रात में उसे क्या याद आता है? और बाबा हम्म, वो आउलिया होते हैं ना, वो आउलिया तो वो आत्माओं को चलाते हैं, जो उनके कंट्रोल में होती है आत्माएं उनको, तो ब्रह्मा बाबा को कौन चलाता है कि वहाँ इस तारीख में इस टाइम में आ जाओ? ब्रह्मा बाबा को माया चलाती है। अरे माया कैसे चलाएगी बाबा? वो तो अच्छा वाणी चलाते हैं ना। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को माया ने नहीं भरमाया? जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो मम्मा की कुर्सी पे कौन बैठ गया? माया बेटी। बाबा की इच्छा से बैठ गई या अनिच्छा से बैठ गई या बाबा ने प्यार से बिठा लिया? आओ आओ बैठ जाओ। नाकार भी तो नहीं दिया ना, तुम बैठो नहीं ऐसे मना। लेकिन माया के सामने निर्बल हो गए या बलवान हो गए? तो भी माया उनको भेजती है उस तारीख को। फिर माया, अरे जब माया बेटी जिंदा थी तो कौन ऑर्डर देता था बाबा को बुलाओ? माया बेटी ऑर्डर दे। अभी उसकी कुर्सी पे कोई बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा? है जो बैठा होगा वो ऑर्डर देता है, बुलाओ। और हाँ, निर्बल के बल राम गाया हुआ है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा का बलवान, उसको बलवान बनाने के लिए राम या फिर हम लोग क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं कि वो माया से दूर हो जाए? योगदान नहीं देते चंद्रमा को? दे दान तो छूटे ग्रहण। किसको दान देते हैं? बेचारी चंद्रमा को माया का ग्रहण लगा हुआ है, तो भक्ति मार्ग में ये गायन होता है कि उस ज्ञान चंद्रमा को जो माया का ग्रहण में है, संपूर्ण अंधेरे में आ चुका है, उसको योग का दान दो। योग का दान देंगे तो उसका ग्रहण छूट जाएगा। जब तक उसका ग्रहण नहीं छूटेगा तब तक किसी का ग्रहण छूटने वाला नहीं है। बाबा हाँ, अब तेरे इधर पे आया, हाँ, कुछ करके जाऊंगा, हाँ, जोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तेरे दर पे आया हूँ और दर पे आने के बाद माया ने बुद्धि बीच बीच में घुमाई? तब क्या होगा? है वो बात नहीं है, माया किसी का भी किसी दिन भी सत्यानाश कर सकती है, ये कोई गारंटी है क्या? है, अरे बाबा एक बार माफ करेगा, दो बार माफ करेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 बार माफ कर देगा, फिर माफ ही करता रहेगा। है, और बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं अपना पोता मिल देते ही नहीं। बड़े भारी दानी भी होते हैं, क्या महादानी भी होते हैं, लेकिन उनका पोता मिल दूसरों से आ जाएगा बाबा के पास, क्योंकि बाबा को तो 1000 आंखें हैं या नहीं है? बाजा को बाबा को तो 1000 आंखें, तो पोता मिल
नहीं देते हैं तो गलती बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? गलती बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो माफ होने से आधा माफ की लिस्ट में आवेंगे, ये बिल्कुल माफ न होने की लिस्ट में भी चले जाएंगे। तब क्या होगा? ऐसा भी होता है कि जो बताने वाले वो झूठे होंगे। हैं? जो बताने वाले होंगे वो अपनी अवस्था से जान सकते हैं, वो झूठे हो सकते हैं, वो अपनी अवस्था से जान सकते हैं, कोई मजबूरी होगी। हाँ हाँ, अपनी अपनी अवस्था से सब कोई जान सकते हैं कि हम ऊंचे उठ रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं। और बाबा, ये पोता मेल अगर हम बाबा के सम्मुख नहीं आ सकते और ईमेल पे भेज सकते हैं? हम क्लास करने सम्मुख आ सकते हैं, नहीं बाबा, क्लास करने के लिए हम सम्मुख आ सकते हैं, लेकिन हमारा लिखा हुआ पोता मेल बाबा के सम्मुख नहीं आ सकता, क्योंकि आजकल जो साधन है वो कम रह गए हैं दुनिया में। ईमेल का साधन तो है ही नहीं, और ईमेल में पासवर्ड तो होता ही नहीं। ईमेल में भेज सकते हैं ऐसे पूछ? इसमें पूछने की क्या बात है, भेज सकते? कैसे भी भेजो, बाबा के पास पूरा पोता मेल आना चाहिए, अधूरा आया तो भी नुकसान होगा या फायदा होगा? हाँ, तो भी नुकसान हो जाएगा। और हाँ, अच्छे बुरे कर्म तो स्त्रियों को ज्यादा टाइम क्यों करना पड़ता है? पूछने वाला बेचारा भूल गया है कि आत्मा एक जन्म स्त्री भी बनती है और एक जन्म पुरुष भी बनती है। आप स्त्री के भान में ज्यादा हैं अभी या आत्मिक स्थिति के भान में बोल रहे हैं? हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? आत्मा को सपोर्ट कर रहे हैं या स्त्री को सपोर्ट कर रहे हैं या पुरुष को सपोर्ट कर रहे हैं? स्त्री को सपोर्ट कर रहे हैं, स्त्री को सपोर्ट कर रहे हैं। माने देवान में है या नहीं है? देवान में। और ऐसी बेसिक वाली बहुत सारी आत्माएं जो एडवांस का ज्ञान नहीं सुनती, नहीं सुनती, नहीं सुनती हो, ऐसा तो बाबा ने बताया है। बाबा मेरी बात सुनो, वो सुनती क्यों नहीं? क्योंकि उसका कारण बताए, असली कारण ये है कि बाबा ने कहा कि जो क्रिश्चियन धर्म के पक्के होंगे, क्या वो कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। उनके लिए बाबा ने नियम बता दिया है कि जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। अगर क्रिश्चियन धर्म का है तो क्राइस्ट की ही बात मानेगा, भगवान भी सामने आ जाए तो उसकी बात नहीं मानेगा। ये कारण है। कोई अगर बेसिक में भी नहीं चलते और फिर शादी कर लेते तो फिर उनका क्या? बेसिक में नहीं चलते साधारण का, बेसिक में ये एडवांस तो ज्ञान में सुनते और बेसिक में भी ज्यादा ने अभी शादी कर ली थी, बहुत ज्ञान सुना, बहुत हो चुका, अभी शादी करके फिर वो भक्ति मार्ग के रसम चालू कर देते। हाँ। तो उनके लिए ऐसा क्या पद है वगैरह ऐसा आप बताइए ताकि मैं उनको बता सकूं। अरे नीम हकीमे खतरे जान, कोई डॉक्टर वैद्य तो बन गया लेकिन झोला छाप डॉक्टर बन गया है या पक्का डॉक्टर बन गया? हाँ, तो झोला छाप ज्ञान ले लिया है दूसरों को दिखाने के लिए थोड़े टाइम के लिए, तो नुकसान करेगा या फायदा ज्यादा करेगा? नुकसान ज्यादा कर देगा, बहुतों की जान ले लेगा। और बर्फ से जब शरीर निकलेगा, बर्फ से जब शरीर निकलेगा तो उसी कपड़े से बाहर आ जाएगा, कपड़े वही रहेंगे। माने लाल पीले कपड़े जो पहनते हैं एक पूछने वाला बच्चा भूल गया कि बाबा ने बोला है सब धंधों में है नुकसान, तो ये कपड़ा बनाने वालों का धंधा चलता रहेगा या खत्म हो जाएगा? तो जब कपड़ा बनाने वालों का धंधा ही खत्म हो जाएगा तो जो बर्फ में दबेंगे वो कपड़े पहने हुए होंगे हैं? तब तक कपड़े रहेंगे नहीं,
वो बर्फ में दबने वाले शरीर रूपी वस्त्र ही असली वस्त्र हो जावेंगे, उनको वस्त्रों की दरकार रहेगी ही नहीं। वस्त्रों की दरकार तब तक है और उनके लिए है जो देह अभिमान में है। उसमें देवता ही चेहरा आ जाएगा क्या? देवता ही आत्मा, आत्मिक स्थिति वाले बन जावेंगे। जैसे देवताओं के चेहरे देखने से रूहानियत झलकती है, ऐसी स्टेज बन जावेगी। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई थी, तो क्राइस्ट की आत्मा आत्मिक स्टेज में आई थी या देह की स्टेज में थी? वो आत्मिक स्टेज ने कन्याओं माताओं को ज्यादा आकर्षित किया होगा या नहीं किया होगा? लेकिन जो देह अभिमानी पुरुष थे उनको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? उनको गुस्सा आ गया। आखिरीन ये अंजाम हुआ कि देहधारी को सूली पर चढ़ा दिया। जो प्रवेश करने वाली आत्मा है उसको दुख होगा या देहधारी आत्मा को दुख हुआ होगा? देहधारी आत्मा को दुख हुआ, तकलीफ हुई, और वो सतो प्रधान आत्मा तो निकल जाती है। और बाबा अभी रिसेंट एक दो तीन महीने हो गए साइंस वालों ने एक ईश्वरीयकरण का इन्वेंशन किया है कि पृथ्वी पे ईश्वरीयकरण था, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि शिव बाबा तक वो पहुंचे हैं? क्योंकि शिव बाबा इस सृष्टि का बीज रूप है। इस सृष्टि का बीज रूप शिव बाबा है, इस सृष्टि का बीज शिव है, या इस मनुष्य सृष्टि का बीज प्रजापिता है? कौन है साकार का बीज? कौन होगा? साकार होगा या निराकार होगा? साकार का बीज साकार होगा और निराकार का बीज निराकार आत्माओं का बीज शिव है। और बाबा है मैं देवताओं की महफिल में नहीं आता हूँ। सतयुग में जो देवताएं बनने वाले हैं, ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स, वो आत्माएं अभी जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाली हैं, वो देव आत्माएं हैं, बच्चा बुद्धि हैं या सालिम बुद्धि है? वो बच्चा बुद्धि है, बहुत भोले हैं। उन बच्चा बुद्धियों की महफिल में मैं नहीं आता हूँ। वो कहाँ बैठे हैं? वो बच्चा बुद्धि आत्माएं कहाँ बैठी हैं अभी? हैं? बेसिक में बैठी हुई हैं। वो चंद्रवंशी आत्माएं चंद्रमा के आसपास बैठी हुई है, चंद्रमा को फॉलो करने वाली है। मैं उनकी महफिल में नहीं आता हूँ। किनकी महफिल में आता हूँ? मैं तुम बच्चों की महफिल में आता हूँ। ये राम की सेना की महफिल है क्या? राम की सेना की महफिल है। मैं बंदरों की महफिल में आता हूँ। है बंदरिया नहीं है क्या? हैं? बाबा आत्मा को देखते हैं या देह को देखते हैं? बाबा तो आत्मा को देखते हैं। आत्मा पुरुष स्वभाव की होती है या स्त्री स्वभाव की होती है? आत्मा तो सब पुरुष है, तो बाबा तो सबको पुरुष रूप में देखते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में बंदरियों की महफिल का गायन नहीं है। किसका गायन है? बंदरों को ही सेना ली। और वैसे भी सेना में पुरुषों की भर्ती होती है या स्त्रियों की भर्ती होती है? पुरुषों की भर्ती होती है। तो शिव बाबा ने भी किसकी भर्ती की है? हाँ, पुरुषों की भर्ती की है। हैं? हाँ, मैं देवताओं की महफिल में नहीं आता। वो क्या लड़ाई लड़ेंगे? अरे देवात्माएं लड़ाई लड़ेंगी,
वो नहीं, वो तो माया के पंजे में आराम से आ जाएंगी। हैं? राक्षस पीछे आते तो आगे बात, वो तो डरपोक आत्माएं हैं। मैं तो उनकी महफिल में आता हूँ जो माया से डट के युद्ध करने वाले हैं। और तो ये महाभारत लड़ाई में ऐसे माया जो बाबा के कारण में उनका संयम दे रहे, पर उनको किसी कारण शरीर छोड़ना पड़ेगा, उनका भी गायन है ना। हाँ जी, तो लड़ते लड़ते मरते नहीं है क्या? लड़ते लड़ते मरने वालों की संख्या ज्यादा होगी या लड़ते लड़ते जो अंत तक बचे रहेंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी? हैं? किसकी संख्या ज्यादा होगी? हैं? नहीं, मरने वालों की संख्या बहुत होती है दोनों सेनाओं में, और जो बचे रहने वाले हैं वो कौरव सेना में तो कोई बचते ही नहीं, सब खलास हो जाते हैं, और पांडव सेना में बचते हैं थोड़े बहुत, वो तो मुट्ठी भर बचते हैं, ना के बराबर। और मत माने मेरे, याजी माने यजन करने वाले, यज्ञ करने वाले, सेवा करने वाले, यज्ञ करते हैं तो स्वाहा करते हैं ना, क्या करते हैं यज्ञ में? स्वाहा, स्वा हाय हाय मेरा तन, हाय मेरा धन, तो स्वाहा करते जाते हैं यज्ञ में, अर्पण करते जाते हैं और हाय हाय करते जाते हैं। तो मत माने मेरे, याजी माने स्वाहा करने वाले, भव हो जा मेरे प्रति तन मन धन समय संपर्क और सारे ही संबंध स्वाहा कर दे, लगा दे मेरी ईश्वरीय सेवा में लगा दे। वो हुआ मध्याजी भव, लेकिन लगाएंगे कब? पहले मध्याजी होंगे या मनमना भव होंगे? अगर मनमना भव होंगे तो मध्याजी भी होंगे, और मनमना भव ही नहीं हुए तो मध्याजी होंगे नहीं, हो ही नहीं सकते। और बाबा अभी सेवा के लिए जाते हैं तो वहाँ पहले से पूछते हैं अगर बाप साकार में है तो यहाँ भी दुनिया वालों जैसे दो पार्टीज क्यों है, बेसिक और एडवांसेस है? अभी मुरली में क्या बोला? तो बोलते हैं हम, लेकिन दुनिया में हर धर्म के बारे में सोचो, इस्लाम धर्म आया तो दो पार्टियां हुई या नहीं हुई, इस्लामी और मुस्लिम? क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ तो दो पार्टियां हो गई कि नहीं दुनिया में? एक मेरी को मानने वाले और दूसरे मेरी को न मानने वाले। बुद्ध आए तो दुनिया में दो पार्टियां हुई या नहीं हुई? कौन कौन सी? हीन यान महायान। तो दुनिया में जैसे दो पार्टियां हो जाती हैं तो यहां भी शूटिंग होती है कि नहीं है? शूटिंग होती है, सच्चा बाद में खुलता है या पहले ही खुलता है? जो सच्चा है वो बाद में खुलता है, और सच्चा ही विजय होता है या झूठ विजय होता है? इस्लाम धर्म आया, हजार साल के बाद मोहम्मद आए, जीत किसकी हुई? इस्लाम की जीत हुई। दुनिया में मुसलमान ज्यादा हो गए, दुनिया में मुसलमानों का राज्य हुआ या इस्लामियों को ज्यादा राज्य हुआ?
मुसलमानों का हुआ। तो जो सच्चाई होती है वो ही मुकाबला करती है, जो झूठ होता है वो तमो प्रधान होता है। तमो प्रधान पुराना होता है या नया होता है? जो पुराना होता है वो तमो प्रधान होता है। तो यहाँ ज्ञान मार्ग में भी पहले माँ प्रत्यक्ष हुई ब्राह्मणों के बीच में या बाप प्रत्यक्ष हुआ? माँ प्रत्यक्ष हुई, लेकिन जो माँ प्रत्यक्ष हुई उस माँ ने अपनी वाणी में इशारा किसकी तरफ दिया? बाप की तरफ इशारा दिया। तो बाप को जो फॉलो करने वाले हैं वो पावरफुल हैं, वो बाप का वर्षा लेंगे, या माँ को फॉलो करने वाले वर्षा लेते हैं? बाप को फॉलो करने वाले विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, वो पावरफुल आत्माएं हो गई। और बाबा उनको ऐसे दो धर्म का बताया था बीके आत्मा को, तो बोले बीके आत्माएं दो धर्म, बीके आत्माएं तो दसियों धर्म की है। बीके आत्मा एक आई थी ना बाबा, ब्रह्म कुमारी की एक आत्मा आई थी, तो उनको ऐसे ही दो धर्म का बताया था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का, और हर धर्म में दो दो छेड़े हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान अगर पार्शियलिटी करता है क्या, भगवान तो सारी दुनिया का है ना। हाँ हाँ, तो नंबर तो सारी दुनिया को नारायण बना देता है या नंबर बार बनते हैं? है भगवान आता है माला बनाता है तो सबको विश्व की बात सही दे देता है या नंबर बार देता है? 108 क्यों, 108 भी है तो फिर तो वो भगवान तो सारी दुनिया का भगवान है, सारी दुनिया का भगवान है, और तुम्हारी मुरली सिर्फ तुम्हारी है, तुम क्यों कहती है हमारी मुरली चुराए ले गए, हमारी मुरली क्यों पढ़ते हो? अच्छा मुरली तुम्हारी है और भगवान सारी दुनिया का है, वाह भाई। मेरी को मानने वाले भी है और मेरी को न मानने वाले भी है, मैं अपने क्या? मेरी कौन है, मेरी कौन है, कौन सी माँ है? हाँ जगदम्बा माँ मेरी है। अरे मेरी है, जगदम्बा माँ मेरी है या बाप मेरा है? दो मेरे हैं या एक मेरा है? हैं? तो फिर कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं? हाँ, मेरी को न मानने वाले ये नहीं, सिर्फ बाप को मानने वाले सच्चे हैं। अगर किसी दूसरे को कहें मेरी तो वो झूठे हैं, उसमें चाहे मेरी हो या कोई भी हो। बाबा हाँ, राष्ट्रगीत होता है ना? हाँ, उसमें जनगण मन अधिनायक जय हे बोलते हाँ, खड़े रहते हैं सिर एकदम बन के खड़े रहते हैं हाँ, हाँ, तो वो जनगण मन हाँ, तो ये अधिनायक माना प्रजापिता के लिए है हाँ, अधिकार करने वाला, नायक माने नेता हाँ, कौन है नेता माने ले जाने वाला, राष्ट्रगीत बोलते हैं हाँ, हाँ। राष्ट्रगीत बोलते हैं और किसके सामने बोलते हैं? है? एक आदमी बोलो, झंडे के सामने बोलते हैं, और झंडे में भी तीन रंग वाले कपड़े हैं तो तीनों को बोलते हैं या एक को ऊंचा रखते हैं? एक को ऊंचा रखते हैं, जिसको ऊंचा रखते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, क्या सत्यमेव जयते, वो एक ही सच्चा है, गॉड इज ट्रुथ, और बाकी से सब नंबर वार झूठे हैं। वो ही जनगण मना अधिनायक है। और
बाबा सतोप्रधान प्रकृति को सतोप्रधान बनाने के लिए योगदान दो, उसमें क्या करना चाहिए? योगदान दो किस हिसाब? कैसे? अब ब्रह्मा को योगदान कैसे देते हो? चंद्रमा को, चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, कैसे योगदान देते हो? है? अरे योगदान देते हो कि नहीं? जब बेसिक में थे तो आवाहन करते थे गुलजार दादी के सामने बैठ के, किसका आवाहन करते थे? याद करते थे या नहीं? शिव बाबा की याद में बैठते थे या दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की याद में बैठते थे? हैं? ब्रह्मा की याद में नहीं बैठते थे, बैठते तो शिव बाबा की याद में थे, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा को आकर्षित करते थे। और तो ऐसे ही ज्ञान चंद्रमा को सर्च लाइट देनी है। क्या चंद्रमा को याद नहीं करना है, लेकिन बाबा की याद में सर्च लाइट देनी है। और बाबा एक पूछना था कि जो बाबा मुरली ब्रह्मा मुरली पढ़ते थे राम हरि आत्मा उसकी याद में रहती और शिव बाबा क्लैरिफिकेशन देते, मुरली खत्म होने के बाद ब्रह्मा निकल जाती है? ब्रह्मा की सोल बीज रूप में रहती है या सूक्ष्म शरीर के रूप में रहती है? तो कैसे पता चलेगा कब निकल जाते हैं कब आते हैं? हैं? और सेवा करने के लिए निकल जाते? क्यों और सेवा करने के लिए शिव बाबा नहीं जाते? शिव बाबा एक ही मुकर्रर रथ में रहते हैं या बच्चों की सेवा करने जाते हैं? हैं? बाप दादा बच्चों की सेवा में जाना आना करते ही हैं, हम बच्चे सेवा नहीं करते, बाप दादा ही सेवा करते हैं। और लेकिन तुम बच्चे क्या समझो? हैं? हाँ, कि शिव बाबा ही मुकर्रर रथ में मौजूद है, ब्रह्मा को तुम याद ही क्यों करते हो? ब्रह्मा को याद करना है या शिव बाबा को याद करना है? शिव बाबा को याद करना है। और नहीं तो फिर क्या होगा? अभी चंद्रमा सर पर मौजूद है तो चंद्रमा को याद किया, फिर अंत में गंगा निकलेगी, ये तो दाढ़ी मूछ वाला है, और गंगा तो बड़ी सोहेनी होगी, है? पवित्र होगी या अपवित्र होगी? वो तो पवित्र होगी, तो फिर किसको याद करने लग पड़ेंगे? हैं? फिर गंगा को याद करने लग पड़ेंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। एक को याद करना है या दो तीन को याद करना है? एक को। फिर कौन निकल पड़ेंगे? फिर सर के ऊपर और आठ रखे हुए हैं अष्टदेव, फिर आठ को उनको भी याद करने लग पड़ेंगे। कोई को कौन याद आएगा, कोई को कौन याद आएगा, कोई को कौन अच्छा लगेगा, कोई को कौन अच्छा लगेगा, फिर तो कन्वर्शन हो जाएगा, फाउंडेशन अभी पड़ जाएगा, फिर ब्रॉड डामे में वैसा ही प्राप्त पार्ट बजाएंगे। तो क्या बताया? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और बाबा राम तेरे गंगा में लिए ऐसे क्यों बोला है? गंगा पवित्र है तो फिर ऐसे जो बोला है वो कलयुग के अंत में बोला है या द्वापर के आदि में बोला है? तो कब मैली? कलयुग अंत की जब शूटिंग होती है तो दुनिया भर के कारखाने निकल पड़ते हैं, दुनिया भर के गटर लाइन निकल पड़ती है शहरों की, और गंगा मैली होना शुरू हो जाती है। पहले हरिद्वार में गंगा गटर वाली थी या पावन थी? पावन थी। उस समय गंगा फरुखाबाद तक भी पावन थी, फिर हरिद्वार में भी गटर पड़ना शुरू हुआ और फरुखाबाद में भी गटर लाइन शुरू हो गई।
फिर तो कानपुर वाराणसी जो भी शहर आए साफ का गटर जमुना गंगा में गिरने लगा। तो गंगा मैली होगी या साफ सुथरी रहेगी है? नदियों के बारे में क्या बताया? सागर से मिली है तो नदी अगर सागर से मिली हुई है, सागर से संबंध है तो नदी नदी है, पावन है। अगर नहीं मिली हुई है, सागर से संबंध नहीं है तो नदी नहीं है, क्या है? नाला है। तो अभी गंगा का कनेक्शन ज्ञान सागर से है नहीं है? गंगा का कनेक्शन किससे है? भक्ति मार्ग में देखो कि गंगा के किनारे जब मेले लगते हैं तो कौन किनारे बैठे रहते हैं? मेंढक की तरह बैठते हैं चौकड़ी मार के। कौन बैठते हैं? गुरु लोग बैठते हैं ना। तो गुरु गंगा को मैला करते हैं या सुथरा बनाते हैं? मैला कर देते। लेकिन गुरु क्या कहते हैं? गुरु उल्टी पाठ पढ़ाते हैं कि दुनिया वालों ने गंगा को मैला कर दिया और हम उसमें पांव डालते हैं तो गंगा पावन हो, क्योंकि हम शिवो हम शिव हैं। और बाबा फिर गंगा का पीरियड कब है? विष्णु के चरणों में शंकर की जटा में। बाबा ने तो मुरली में बोल दिया गंगाएं कब निकली? अंत में निकली। और तुम्हारी विजय कब होगी? हैं? जब सन्यासी निकलेंगे तब तुम्हारी विजय हो जाएगी। और वो सन्यासी किसकी पूजा करते हैं? तो गंगा पहले निकलेगी, उसके पीछे पीछे वो सन्यासी भी निकलेंगे, फिर तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो हम सन्यासियों पे डिपेंड हैं? सन्यासियों पे डिपेंड। अच्छा, तो अभी से सन्यासियों के डिपेंड हो जाओ, गंगा जी के चरणों को धो जाके। डिपेंड नहीं होना है ना। अरे आप ही तो बोल रहे हैं, दिल तो हो रही है। किसी की दिल होती है तो पूछता है बाबा शादी करे? बाबा नहीं, उनका डिपेंड नहीं होना है ना बाबा। पूछने वाले की दिल है या नहीं है बाबा? अच्छा बताओ, पूछने वाले की दिल होती है कि नहीं है? पूछने वाले की दिल होती है तो ऐसी बात पूछने ही क्यों? कैसे मुरली में बताया कि? कैसे बताया बाबा ने कि सन्यासियों के गंगा जी के चरण धो जाके सन्यासी निकलेंगे तब तुम्हारी विजय। हाँ बोला है माने शिव बाबा निकलेगा तब विजय नहीं होगी, सन्यासी जब निकलेगा तब विजय होगी। हैं? शिव बाबा है तो विजय है। तो शिव बाबा है ये पक्का करो, माया हिलाए क्यों देती है बार बार? सदैव ऐसा ही बुद्धि में रहे कि हमको कौन मिला है? हमको शिव बाबा मिला है, हमारी विजय है, हमारी विजय निश्चित है। 2013 में जगदम्बा का पाठ आने वाला है। 2013 के बाद जगदम्बा का पाठ आने वाला है। ये किसने कहा? बहुत लोगों ने सुना है। अच्छा, लोगों की बातें सुनना जरूरी होती है। भारतवासियों ने क्या किया? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति। इसकी शूटिंग कहाँ हुई? कहाँ शूटिंग हुई? अभी संगम युग में शूटिंग हो रही है। तो क्या क्या और तुमने सुना? वार्तालाप में सुना है ये वो दो झाड़ू लेके बैठी हो हैं? दो झाड़ू लेके बैठी हो है? सुना है। कौन बैठी है? जगदम्बा। हाँ, जो प्रकृति है वो दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है। वो झाड़ू चैतन्य है या जड़ है? कोई चैतन्य आत्माएं हैं झाड़ू के रूप में। जो दिवाली होने से पहले घरों घरों की सफाई करेंगी, सारे कीड़े मकोड़ों को क्या कर देंगी? भगा देंगी।
फिर दिवाली आएगी। गिरना सबका टे है बाबा है? गिरना सबका टे है ऐसा बोला है वो। आगे और पीछे, कोई का पहले गिरना, कोई का बाद में गिरना। ऐसे कोई महारथी है जो बाबा का ज्ञान ज्यादा उठाने के बाद वो गिरेंगे, पर तुरंत उनको ज्ञान बुद्धि में आके बाबा का सम्मुख यानी बाबा की ज्ञान की तस्वीर लेके उठेंगे जल्दी। तो कौन होंगे वो? अष्टदेवी खाली। अरे कौन, आठ का नाम क्यों लेते हो फिर है? सौ का और आठ का नाम क्यों लेते? जब नंबर आ रहे हैं तो नंबर के हिसाब से नाम लेना चाहिए ना। नंबर डिक्लेयर नहीं हुआ? अरे भक्ति मार्ग में भी डिक्लेयर कर दिया, शंकर जी की सबसे प्यारी नगरी कौन सी है, उसमें क्या सिफ्त है, उसकी क्या विशेषता है? यही विशेषता है कि माया जब सारी दुनिया को फेल कर देती है तो वो आत्मा सबसे पहले बाप को पकड़ लेती है, उसी हिसाब से नंबर बनते रहते हैं। टूटते तो हैं लेकिन जुड़ने से नंबर क्लियर हो जाते हैं। जो अभी बताया कि जिनमें ज्ञान होगा, ज्ञान माने जानकारी होगी, बाप की पहचान होगी, जितनी गहरी पहचान होगी उतनी जल्दी बाप को पकड़ लेंगे। अगर पहचान कम होगी तो देर में पकड़ेंगे या पहले पकड़ेंगे? देर में पकड़ेंगे। ओम शांति।